ओके तो आप सबका स्वागत है प्रोफ के चैनल में। मैं हूँ प्रवेक। तो एम आई ब्राउजर पे अभी कुछ हफ्तों में बहुत सारे सवाल उठे हैं और बहुत लोगों को पता चल चुका है कि इवन ये इनकोग्निटो मोड में ये चाइना में सारी चीज़ें भेजता था। इवन नॉर्मल मोड में भी यूज़ करते थे तो ये चाइना सर्वर पे आपकी सारी डिटेल्स, जैसे कहाँ पे आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं उस वेबसाइट पे, वो सारी डिटेल्स वहाँ जाती थी। और इससे लोग बहुत परेशान हो गए हैं। इवन यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट्स ने इसे क्लेम कर दिया है। और अब जो फिलहाल अभी अपडेट आया है यहाँ पे, इसमें दिखाया है कि आपकी प्राइवेसी और ने इनहांस कर दी है एमआई की तरफ से। और इवन एक मोड आया है इनहांस्ड इनकोग्निटो मोड, इससे अब हो सकता है कि आपका डाटा ना जाए। लेकिन अभी लोग बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि आपके फोन में ये ऐप एमआई ब्राउजर वाला ना हो। एंड अगर आप इस ऐप को नॉर्मल ऐप्स की तरह इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो तो ये अनइंस्टॉल भी नहीं होता क्योंकि ये सिस्टम ऐप है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिना रूट किए, बिना आपके डाटा जाए, बिना आपकी वारंटी जाए, आप 2 मिनट में यार इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो शुरुआत कर लेते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में अबाउट फोन में जाना है एंड MIUI के वर्जन पे आपको 7 बार टैप करना है। और नीचे आपको एक मैसेज मिलेगा, यू आर नाउ अ डेवलपर। मेन सेटिंग्स में आपको दोबारा जाना है एंड एडिशनल सेटिंग्स पे स्वाइप अप करके डेवलपर ऑप्शन खोलने हैं। और USB डीबगिंग एक सेटिंग आपको मिलेगी, उसे ऑन कर देना है। USB डीबगिंग के नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, इंस्टॉल वी USB, उसे भी आपको ऑन कर देना है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस को होने के बाद आप आसानी से इसे वापस ऑफ कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको अपना कंप्यूटर ऑन कर लेना है। और लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी दो। आपको पहली वाली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है मिनिमल ADB, उस पर टैप करना है और वो कुछ इस तरीके की आपको वेबसाइट पर ले आएगी। क्लिक हेयर टू स्टार्ट डाउनलोड पर करना है और वो सॉफ्टवेयर आपका 1 MB का होगा, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको क्या करना है कि बस सिंपली इसे इंस्टॉल करना है और मेक श्योर करना जिस भी फोल्डर में आप इसे इंस्टॉल करें वो आप याद रखना क्योंकि हमें वापस उस फोल्डर में जाना है। एंड अब आप अपने फोन को PC से कनेक्ट कर दीजिए। एंड देन आपको कंप्यूटर में उसी फोल्डर में जाना है जहां आपने मिनिमल ADB इंस्टॉल किए हैं। इस तरीके की आपको सारी फाइल्स देखने को मिलेगी वहां पे और CMD/hair पे टैप करना है। इस तरीके की विंडो सामने आपके आ जाएगी और ADB डिवाइसेस वहां पे आपको पहली कमांड लिखनी है और एंटर मार देना है। पहले आपको डिवाइस का नंबर दिखेगा और अनऑथोराइज लिखा होगा और तुरंत आपके फ़ोन पे एक मैसेज पॉपअप होगा, उसे आपको ओके करना है। एंड देन आपको नेक्स्ट कमांड आपको टाइप करनी है, वो है ADB shell, और उसको टैप करने के बाद आपको एंटर मारना है। इस तरीके की आपको अगली कमांड शो हो जाएगी। एंड उसके बाद फिर से आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वीडियो के, वहाँ पे आपको जाना है और उसको दूसरी वेबसाइट पे जाके एक डॉक्यूमेंट आपका डाउनलोड होगा, उसमें सारी ये आपको कमांड मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि MI के अलग अलग फोन्स में अलग अलग तरीके के ब्राउजर, जैसे MI ब्राउजर प्रो होता है किसी फोन में Mint ब्राउजर होगा, किसी फोन में MI का नॉर्मल ब्राउजर होता है। तो ये अलग अलग कमांड है हर किसी को अनइंस्टॉल करने के लिए। तो जैसे इस फोन में जिसमें मैं अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ उसमें मी ब्राउजर प्रो है, तो आपको बस इसे पूरी को कॉपी करना है और कॉपी करते ही आपको वहाँ पे जहाँ पे भी आपको पेस्ट करनी है उसमें बस हल्का सा राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली पूरी पेस्ट हो जाएगी और जैसे ही आप उस पर एंटर मारोगे कुछ इस तरीके का सक्सेस लिखा आएगा और फोन में ऑटोमेटिकली आपका ये MI ब्राउजर छू मंतर हो जाएगा, मतलब अपने आप ही ये रिमूव हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। और इवन अगर आप कोई भी ऐप चाहते हैं जो आपको लगता है कि MI के ब्राउजर के अलावा भी मुझे ये सारे ऐप्स रिमूव करने हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग कमांड है जो इस वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। और सिंपली इस पूरे प्रोसीजर फॉलो करके आपको ये करना है और पेस्ट करके उस चीज़ को एंटर मार के आप सारे ऐप्स जो आपको लगते हैं कि आपकी प्राइवेसी को हार्म कर रहे हैं उसे आप इस वीडियो के प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई है और एंड में जाके आप जो भी अपने सेटिंग्स ऑन की हैं, ये USB डीबगिंग जो भी चीज़ें, ये आप आसानी से ऑफ कर सकते हैं। तो आपका कहीं पे भी कोई डाटा नहीं गया, कहीं पे आपका कोई रूट नहीं हुआ फोन, और आपकी कहीं पे भी वारंटी नहीं गई, और आपकी प्राइवेसी आई थिंक इससे और एनहांस होगी क्योंकि वो ऐप आपके फ़ोन में है ही नहीं। तो आई होप सबको वीडियो पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरीके की और वीडियोज देखने के लिए प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। एंड लव फॉर ऑल।